वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का नया टॉपिक रेफरेंस सोर्सेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस सोर्सेज होते क्या हैं, इनके नीड क्या है, इनके पर्पज़ क्या है, इनके यूजेज़ क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेफरेंस सोर्सेज होते क्या हैं। रेफरेंस सोर्सेज एक प्रकार से सत्य तथ्यात्मक संक्षिप्त जानकारी होती है जो कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में होती है। और हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टर्म्स के बारे में, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के बारे में हमें बताती है कि ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मतलब क्या है और ये हम इसे किस प्रकार से यूज़ करते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो ये बुक्स के फॉर्म में हो सकते हैं, सीरियल के फॉर्म्स में, इंटरनेट के फॉर्म्स में या फिर डेटाबेसिस के फॉर्म्स में ये हो सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके नीड क्या है, इनके पर्पज़ क्या हैं। तो अगर हम बात करें नीड की तो हम आजकल डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ कर रहे हैं जाने अनजाने रूपों में। जैसे कि हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं तो हम कोई ना कोई, हमें मतलब कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो कि हमें उनको समझने के लिए किसी न किसी अदर रेफरेंस की आवश्यकता होती है। तो अगर हम उस पर्टिकुलर टर्म को सर्च करने के लिए किसी बुक का प्रयोग करते हैं तो वो रेफरेंस बुक कहलाती है। और वही टर्म अगर हम इंटरनेट के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं तो वो इंटरनेट सोर्सेज के अंतर्गत आती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था रेफरेंस बुक। और अगर हम बात करें इसकी कि ये इसका पर्पज़ क्या है और ये किस प्रकार की भूमिका निभाता है, तो ये एक प्रकार की हमारे कह सकते हैं सलाहकार की भूमिका या फिर एक गाइड की भूमिका निभाता है जो कि हमें उस पर्टिकुलर टर्म्स के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जब कभी हम डिक्शनरी डायरेक्टरी में देखते हैं तो उसके मतलब के साथ साथ कुछ एडिशनल लिंक भी दिए होते हैं जिस पे अगर हम जाते हैं तो उसके बारे में हमें अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन मालूम चलती है। तो एक प्रकार से हमारे ये गाइड के रूप में भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ ये एक मानक पे निर्धारित होते हैं तो इस पे ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं और उस पे हम भरोसा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम लाइब्रेरीज में इसका प्रयोग करते हैं और उसको हम रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करते हैं। और रेफरेंस सर्विसेज की बात करें तो यूज़र्स हमारे लाइब्रेरीज में आते हैं अपने क्वेरीज को लेकर, तो जो क्वेरीज को हम मतलब सॉल्व करते हैं उनकी जो क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और उस क्वेरीज को सॉल्व करने में जो हम सोर्सेज का यूज़ करते हैं वो रेफरेंस सोर्सेज के माध्यम से ही उन क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। और जो प्रोसेस होता है पूरा वो रेफरेंस सर्विसेज कहलाता है। और रेफरेंस सोर्सेज भी दो प्रकार के होते हैं, रेडी रेफरेंस सोर्सेज और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सोर्सेज। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रेडी रेफरेंस सोर्सेज क्या होते हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रेडी रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत मतलब हम एज सून एज पॉसिबल किसी भी यूज़र की क्वेरी को सॉर्ट आउट करते हैं और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो इंसाइक्लोपीडिया हो गया, रेफरेंस बुक हो गई, अल्मनैक हो गए, डिक्शनरी डायरेक्टरीज, ये सारे एग्जांपल्स हैं रेडी रेफरेंस सोर्सेज के और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज कितने होते हैं। तो जनरली इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज, लोकल रेफरेंस सोर्सेज और अदर रेफरेंस सोर्सेज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज को क्या होते हैं। तो ये पर्टिकुलर किसी नेशनल और इंटरनेशनल मानक पर आधारित होते हैं और इन्हें आगे विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि डायरेक्टरीज, डिक्शनरीज, अल्मनैक, मैनुअल्स, गाइड्स, बायोग्राफिकल एंड जियोग्राफिकल सोर्सेज एंड हैंडबुक्स एक्सेट्रा। तो इसे हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी जैसे कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि डिक्शनरी में विभिन्न शब्दों के मतलब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो टर्म है डिक्शनरी वो लैटिन वर्ड डिक्शनेरियम से आया है जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। और सबसे पहले इसका प्रयोग ग्रीक्स और रोमन्स द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें कि डिक्शनरी कितने प्रकार की होती है, जनरली से चार भागों में डिवाइड किया गया है, जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज, बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज,
सब्जेक्ट डिक्शनरीज एंड स्पेशल पर्पस डिक्शनरीज। तो जनरल डिक्शनरीज तो मतलब एक ही लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन होता है, मीन्स अगर कोई हिंदी की हिंदी टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश वर्ड को आसान भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन होता है जनरल डिक्शनरी में। और अगर हम बायलिंगुअल डिक्शनरी की बात करें तो ये हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी होती है। और मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी में दो से अधिक भाषाओं के बारे में उसकी शब्दावली दी होती है। और सब्जेक्ट डिक्शनरी की बात की जाए तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो उसमें दी होती हैं। और स्पेशल पर्पस डिक्शनरी की बात की जाए तो ये किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के सिंबल्स और साइंस के लिए, मतलब साइंस चिन्हों के लिए डिक्शनरी डिज़ाइन की जाती है। साथ ही साथ प्रोवर्ब्स, लोकोक्तियाँ और इडियम फ्रेज, इन विभिन्न पर्पस के लिए भी स्पेशल डिक्शनरीज क्यों डिज़ाइन किया जाता है। तो ये डिक्शनरीज के बारे में था। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टरीज के बारे में। तो डायरेक्टरीज जैसा कि ये एक प्रकार के लिस्ट ऑफ नेम्स होते हैं जिसमें कि विभिन्न किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए होते हैं। और इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जनरल डायरेक्टरीज और स्पेशल डायरेक्टरीज। जनरल डायरेक्टरीज के अंतर्गत टेलीफोन डायरेक्टरीज, इसी प्रकार की डायरेक्टरीज आती हैं। और स्पेशल डायरेक्टरीज की बात करें तो इसे भी आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इस एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टरीज, प्रोफेशनल डायरेक्टरीज और ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरीज। और अगर हम बात करें एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टरीज की, तो जो भी एकेडमिक्स में जो भी कोर्सेज संचालित किए जाते हैं या जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर्स के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं या उनके ऑफिसर्स के नंबर होते हैं, वो सारे इसमें गिवन होते हैं। अगर बात करें प्रोफेशनल डायरेक्टरीज की, तो प्रोफेशनल डायरेक्टरीज में किसी भी या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। और इसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी होती हैं, साथ ही साथ होम और उनके ऑफिस के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी होती है। और यही अगर हम ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरीज की बात करें तो उनकी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड एंड बिजनेस के सीईओ, ब्रांच ऑफिसेस, हेड ऑफिसेस के कॉन्टेक्ट डिटेल्स में दी होती है। तो ये डायरेक्टरीज के बारे में था, ये कितने प्रकार की होती हैं और ये क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। तो इंसाइक्लोपीडिया जिसे कि हम विश्वकोश कहते हैं, और यह एक प्रकार का हम कहते हैं इसे इंफॉर्मेशन बैंक कहा जाता है, जिसमें कि विश्व की समस्त जानकारियों को संक्षिप्त रूप से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें का संकलन होता है ये। और अगर हम बात करें इसकी ओरिजिन की, तो ये इंसाइक्लोपीडिया जो वर्ड है वो क्लासिकल ग्रीक वर्ड इनकैकुलस पेडिया से लिया गया है, जिसका मतलब सामान्य ज्ञान होता है। और सबसे प्राचीन इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो नेचुरल्स हिस्टोरिया सबसे प्राचीन इंसाइक्लोपीडिया है, जिसे कि प्लिनी एल्डर द्वारा एडी 77 में लिखा गया। और इंसाइक्लोपीडिया भी जनरली दो भागों में डिवाइड की गई है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। अगर हम बात करें जनरल इंसाइक्लोपीडिया की, तो इसमें संसार की समस्त फील्ड ऑफ नॉलेज से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका संक्षिप्त वर्णन होता है, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जो कि 32 वॉल्यूम्स में अवेलेबल हैं। और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ये कवर करता है, और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो संक्षिप्त रूप से इसमें दी होती है। और एग्जांपल की बात करें तो स्पेन एंड द यूनिवर्स इंसाइक्लोपीडिया एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया के बारे में था। और इसी में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईयर बुक। तो ईयर बुक जैसे कि ये वार्षिकी बुक कहलाती है, और इसमें वर्ष भर में जो भी घटनाक्रम किसी भी देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी घटनाक्रम घटित होता है उन सबका लेखा जोखा इस बुक में वर्णित होता है। और चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड हो या फिर फिनेंस से रिलेटेड हो या फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार का घटनाक्रम जो कि वर्ष भर में घटित होता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो सारा घटनाक्रम इस ईयरबुक में दिया होता है। और ये जनरली से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, नेशनल, इंटरनेशनल और सब्जेक्ट ईयरबुक। अगर हम बात करें नेशनल ईयरबुक के बारे में, नेशनल इंडिया 2020 एक अच्छा एग्जाम्पल है नेशनल ईयरबुक का।
और इंटरनेशनल स्टेट्समैन ईयर बुक 2020 इंटरनेशनल ईयर बुक का एक अच्छा एग्जांपल है। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट ईयर बुक की बात की जाए तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में साल भर में जो भी R&D वर्क यानी कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होता है उन सब के बारे में इस पर्टिकुलर बुक में जानकारी दी होती है। तो ये ईयर बुक के बारे में था कि ईयर बुक क्या होती हैं और उसमें किस प्रकार की जानकारी होती हैं। आलमैनक को डिस्कस करते हैं। यह प्रकार का हिंदी में से हम पंचांग कहते हैं और यह प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है और इसमें सन और मून की गति के आधार पर जो भी हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल डिसाइडेड होते हैं उनका लेखा जोखा होता है। साथ ही साथ जो ज्वार भाटा चक्रवात या फिर जो भी वेदर फोरकास्ट होता है वो सब इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों की गतियों के ऊपर आधारित होता है। तो इन सारी जानकारियों को इसमें समावेश होता है। और प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान समय में अल्मनेक में खगोलीय शास्त्र के खगोलीय जानकारी के साथ साथ विभिन्न आयामों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे कि स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इसमें हम आजकल देख सकते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो द वर्ल्ड आल्मेनेक एंड बुक्स ऑफ फैक्ट्स 2020 एक इसका अच्छा एग्जांपल है। तो ये आल्मेनेक के बारे में था और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत आता है। और इसी में हम डिस्कस करते हैं मैनुअल। तो मैनुअल हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये एक प्रकार की गाइड होती है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। और जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी हम बुक वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर परचेज करते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल दिया होता है जिससे कि हम उस पर्टिकुलर मशीन को कैसे फिक्स करें या फिर कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मैनुअल था। और इसी में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या होते हैं। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेस किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, सिटी या फिर किसी भी पर्टिकुलर नेशन के बारे में हमें उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और इसे भी हम विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं जिसकी मैप्स, एटलस और ग्लोब्स। और मैप्स जैसे कि मैप्स में एक चित्र के माध्यम से हमें विभिन्न फाउंटेन्स, लेक्स और रिवर्स और समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मैप्स एक चित्र के फॉर्म में हमें इस पर्टिकुलर किसी भी स्थिति के बारे में एक्चुअल पोजीशन की जानकारी प्राप्त होती है। और एटलस की बात करें तो इसमें विश्व के सभी मानचित्रों का संकलन होता है ये। और ग्लोब की बात करें तो ये ग्लोब एक क्लोन ऑफ अर्थ होता है यानी कि अर्थ का एक्चुअल एक हम कहते हैं मॉडल भी होता है जिससे कि हम अपनी पृथ्वी को अच्छे से समझ सकते हैं और उस पर जो भी हमारे थल और जल के भू आकृति है उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में था। और नेक्स्ट बात करते हैं बायोग्राफिकल सोर्सेज की। तो बायोग्राफिकल सोर्सेज एक प्रकार से हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज होती है जो कि किसी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ की हो सकती है, वो वर्ल्ड लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे हो सकती है। उसके अंतर्गत लीडर्स आ सकते हैं, आर्टिस्ट आ सकते हैं, ड्रामाटिस्ट आ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो सकता है जिसे जो कि अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो, फेमस पर्सनैलिटी हो, तो उनकी बायोग्राफीज इसमें दी होती है। और ये नेशनल लेवल पे भी होती है और इंटरनेशनल लेवल पे होती है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो हूज़ एंड हूज़ 2021 इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सोर्सेज है और हुज़ एंड हुज़ इंडिया 2021 नेशनल बायोग्राफिकल सोर्सेज का एग्जांपल है। और साथ ही साथ इसमें कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के माध्यम से भी हम बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुज़ एंड हुज़ पोर्टल है जिसपे कि जो भी नेशनल लेवल पे हमारे जो जुडिशरीज ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी हमारे PM, CM या प्रेसिडेंट्स हैं उनकी सारी बायोग्राफीज की डिटेल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का भी गवर्नमेंट पोर्टल है, उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल, जिस पे कि आप लिस्ट दे सकते हैं MPs, MLAs, CM और जो भी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बायोग्राफिकल सोर्सेज के बारे में था। और इसी में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गैजेटियर का। तो गैजेटियर एक प्रकार का गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है जो कि एक हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या फिर सिटी या फिर नेशन का
जनसंख्या, उसके जनजाति, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस और उनके वहाँ की हिस्ट्री के बारे में वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गजेटियर एक प्रकार का गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है जिसकी सहायता से हम किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर नेशन का पॉपुलेशन हिस्ट्री के बारे में और साथ ही साथ वहाँ के नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेशनल और इंटरनेशनल। और इसमें हम बात करते हैं गाइड बुक की, जो कि स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज के ही अंतर्गत आता है। तो गाइड बुक को हम एक प्रकार से ये भी कहते हैं, वर्चुअल गाइड के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल गाइड की ही भूमिका निभाता है। और इसके माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, सिटी या नेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से घूमने लायक प्लेसेस हैं, कौन कौन से हिस्टोरिकल साइट्स हैं, म्यूजियम हैं, पार्क्स हैं, टेम्पल्स हैं, और भी कौन कौन सी घूमने लायक साइट्स हैं, और वहाँ पर जाने के लिए क्या क्या आप मतलब परिवहन सुविधा है, और वहाँ पे कौन कौन से होटल्स या जो भी आपको रहने की ठहरने की सुविधाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस गाइड बुक के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल की बात करें तो फॉर्डर बुक, फॉर्डर गाइड्स इसका एक अच्छा एग्जांपल है, और यूजीसी नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है कि फॉर्डर गाइड्स क्या होती है। तो यह प्रकार की गाइड बुक है। और इसी में ही एक लास्ट पॉइंट है हैंडबुक, जो कि स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत आता है। इस हैंडबुक को हम एक प्रकार से कह सकते हैं एक कंसाइज रेफरेंस बुक होती है, जो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती है। और इसे हम हैंडबुक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इजी टू कैरी होती है, हम इसे आसानी से होल्ड करके हाथ में कहीं बैठे पढ़ सकते हैं। हैंडबुक जर्मन वर्ड हैंडबुक से लिया गया है, और इसका एक प्रकार की स्मॉल स्मॉल बुक होती है जिसके, और इसमें यूजफुल फैक्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ एक कंसाइज रेफरेंस बुक होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में। और हैंडबुक इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये इजी टू कैरी होती है, इसे हम आसानी से हाथ में कैरी करके कहीं भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। अब इसी में हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, लोकल रेफरेंस सोर्सेज। तो इसे भी फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कैटलॉग, सब्जेक्ट गाइड्स एंड बिब्लियोग्राफीज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैटलॉग क्या होता है। तो कैटलॉग एक प्रकार की ऑर्गेनाइज लिस्ट होती है जो कि हमें लाइब्रेरीज में देखने को मिलती है, और इसमें जो भी लाइब्रेरीज के कलेक्शन होते हैं, बुक्स के कलेक्शन, उनकी लिस्ट दी होती है, ऑथर वाइज, ISBN, और मतलब लिस्ट दी होती है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की डिटेल्स होती हैं, ऑथर डिटेल, ISBN डिटेल, टाइटल डिटेल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन डिटेल, और साथ ही साथ कॉल नंबर जो कि इसकी लोकेशन को प्रदर्शित करता है। और इसी के माध्यम से हम किसी बुक को विभिन्न माध्यमों में से विभिन्न प्रकार से सर्च कर सकते हैं, चाहे वो ऑथर से सर्च कर सकते हैं या फिर ISBN के माध्यम से या फिर टाइटल के माध्यम से। तो ये बुक को सर्च करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। और इसी में ही नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट गाइड। तो सब्जेक्ट गाइड सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कहाँ से सब्जेक्ट गाइड आई है, तो इसे यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया द्वारा डिज़ाइन किया गया। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से वर्चुअल गाइड होते हैं जो कि रिसर्च वर्क में बहुत हेल्प करते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। और ये एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डेटाबेस होता है, चाहे वो आर्टिकल के फॉर्म में हो, बुक के फॉर्म में हो, वेबसाइट के फॉर्म में हो, तो इस सब चीज सब सब पर्टिकुलर सारी चीज़ों का एक कलेक्शन होता है, इसीलिए हम इसे सब्जेक्ट गाइड्स कहते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा ये कि ये वर्चुअल सब्जेक्ट गाइड्स कहलाते हैं। तो ये सब्जेक्ट गाइड्स के बारे में था। और इसी में हम लोकल रेफरेंस सोर्सेस में ही नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, बिब्लियोग्राफीज। तो बिब्लियोग्राफीज एक प्रकार के लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होती हैं जो कि हम अपने अपने रिसर्च वर्क या फिर जो भी हम राइटिंग वर्क होते हैं उसमें हम अपने एज आइडिया के रूप में यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जैसे कि ऑथर की इन्फॉर्मेशन या फिर पेज नंबर या फिर पब्लिश डेट की इन्फॉर्मेशन। तो ये विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जिसके माध्यम से हम वहाँ पर्टिकुलर उस लिंक पर जाके हम उस फैक्ट को देख सकते हैं। तो ये बिब्लियोग्राफीज के बारे में था, और ये हमने डिस्कस किया लोकल रेफरेंस सोर्सेज क्या होते हैं। और अभी रेफरेंस सोर्सेज में ही हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, अदर रेफरेंस सोर्सेज। इसे भी फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग और डेटाबेसेस।
तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडेक्सिंग क्या होती है। तो इंडेक्सिंग को हम हिंदी में अनुक्रमणिका बोलते हैं। और जब भी हम कोई बुक या फिर कोई जर्नल या कोई भी बुक कोई भी किताब पढ़े होते हैं तो उसमें सबसे पहला पेज पे हम इंडेक्सिंग देखते हैं। और इंडेक्सिंग में एक प्रकार की लोकेशन होती है, एक प्रकार की लोकेशन होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ पे वो टॉपिक किस पेज पे अंकित है उस तक पहुँच सकते हैं। और ये एक प्रकार के की लोकेशन इंडिकेटर होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे उसके लोकेशन को देख के तुरंत पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे टाइम को सेव करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्सेज की। तो ये एक प्रकार के हम कहते हैं समरी होती है किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट की या किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जिसके माध्यम से हम थोड़े को ही पढ़कर उस पूरे कंटेंट को जज कर सकते हैं कि ये हमारे हम इसे पढ़ना चाहिए या नहीं। तो इससे हम भी हमारा टाइम सेव होता है। और साथ ही साथ इसमें बायोग्राफिकल डिटेल्स भी होती है जिसके माध्यम से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये कहाँ से लिया गया है और ये ऑथेंटिक है या नहीं, हमारे लिए कितना यूज़फुल है। तो इन सारी चीज़ों में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्सेज के बारे में था। और इसी में लास्ट सबसे लास्ट पॉइंट है डेटाबेसिस। तो डेटाबेसिस क्या होता है? डेटाबेसिस एक प्रकार के हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के डेटा का कलेक्शन होता है। और जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की वेब साइंस, क्रेडो रेफरेंसेस, एप्सको, साइंस डायरेक्ट और ई गेल बुक्स एक वाइड डेटाबेस के एग्जांपल हैं। और आप रिसर्च वर्क के लिए और या फिर कोई भी राइटिंग वर्क के लिए आप इन सारे डेटाबेसेस की हेल्प ले सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि डेटा मतलब रेफरेंस सोर्सेस क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, इनके नीड क्या हैं, इनके पर्पस क्या हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।